ऐसी बीमारी है जो मरीज को कभी भी अपना शिकार बना सकती है। इसमें कुछ दिन तो मरीज ठीक रहता है, लेकिन कभी अचानक से मिर्गी आ जाती है। मिर्गी रोग एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका इलाज तो संभव है, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता की कमी होने की वजह से लोग इसका इलाज नहीं कराते। बता दें, मिर्गी का दौरा लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए पड़ता है। उस दौरान मरीज के मुंह से झाग निकलता है, शरीर अकड़ जाता है, झटका महसूस होता है, दांत भिज जाते हैं। मिर्गी का दौरा एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक को पड़ सकता है। ये रोग आंशिक और पूर्ण दोनों तरीके से हो सकता है। आंशिक मिर्गी में दिमाग का एक भाग और पूर्ण मिर्गी में दिमाग के दोनों भाग प्रभावित होते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारत की कुल जनसंख्या का 1% मिर्गी रोग से पीड़ित है, यानी कि भारत में 1.3 करोड़ लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। भारत में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण लोग अधिक इस बीमारी से पीड़ित हैं। मिर्गी के मरीज को होश और बेहोशी दोनों हालत में झटके आते हैं। इसकी वजह से कुछ समय के लिए वे अपनी याददाश्त खो देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 3 बार से अधिक झटकों की हिस्ट्री मिलती है तो उसे मिर्गी का रोग कहा जाता है। आपको बताएं तो 60% मिर्गी के मरीजों को तो ये इस रोग के होने की वजह भी नहीं पता, जबकि 40% रोगियों में सिर की चोट, दिमाग का इन्फेक्शन, दिमाग का विकास ठीक तरह से ना होना, दिमाग में रक्त रसाव होना या ऑक्सीजन की कमी, दिमाग में ट्यूमर, अल्जाइमर डिजीज और रक्त में शुगर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। चलिए अब हम आपको मिर्गी से बचाव और उसके लिए उपचार बता देते हैं। आप हमेशा पौष्टिक भरी डाइट लें और डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन लें, जैसे कि अलसी के बीज, अखरोट, मछली, अंकुरित धान आदि को जरूर शामिल करें। साथ ही हमेशा सुबह में नाश्ता जरूर करें। वहीं आप खाने में तेल की जगह कुछ साल पुराना गाय का घी इस्तेमाल करें। धूप में निकलते समय धूप के चश्मे और शरीर को अच्छी तरह से ढके। रात को पूरी नींद लें, वहीं सोते समय और सुबह उठकर नाक में पौष्टिक तेल भी डालें। किसी अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ की निगरानी में आप शंखपुष्प, कुष्मांड, मुलेठी, तगर, ब्राह्मी आदि आयुर्वेद दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध हींग को गले में लगाने से मिर्गी के रोगी को फायदा मिलता है। बता दें, माना कि दिमाग हमारे शरीर का सर्वशक्तिमान अंग है जो सभी अंगों को कंट्रोल में करता है, लेकिन हार्ट के बिना वो अपाहिज है। हार्ट के द्वारा ही दिमाग में रक्त पहुंचता है जो उसे पोषण प्रदान करता है। यदि हम चाहते हैं कि दिमाग अपना कार्य सुचारू रूप से करे तो हार्ट को स्वस्थ रखना होगा। इसलिए मिर्गी के रोगी को हार्ट टॉनिक और खून बढ़ाने वाले टॉनिक दे, ताकि मस्तिष्क को अच्छा पोषण एवं ऑक्सीजन मिले और वह अपना काम सुचारू रूप से करते रहें। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की।